नमस्कार, जय हिंद। एग्जाम टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी, क्या कवर किया जा रहा है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, इन सब के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं और डेली का हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या इंदिरा गांधी? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? बाय द पार्लियामेंट, बाय द चीफ जस्टिस, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? बाय द प्रेसिडेंट। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रपति के द्वारा, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल? कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट? करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, करेक्ट ऑप्शन है एंथ्रासाइट और कितना होता है? 87%। चलिए, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स? करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आइसोटॉप्स। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द? पानी का क्वथनांक निर्भर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास? करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। द चोक यूज्ड विद ट्यूबलाइट इज बेसिकली? ट्यूबलाइट के साथ प्रयोग की जाने वाला चोक मूल रूप से क्या होता है? इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर? जो हम घरों में चोक यूज करते हैं ट्यूबलाइट में, वो क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? इंडक्टर। फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? निम्नलिखित में से कौन खगोलीय दूरी की इकाई है? मीटर पर सेकेंड, पारा पर सेकेंड, सेक, पारसेक? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है हमारा पारसेक। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। द फेनोमिनम ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कहलाती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रोटेशन? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा छोटा पक्षी है? पिजियन, पैरट, हमिंग बर्ड या स्पैरो? कबूतर, तोता, बर्ड, गौरैया? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, हमारा करेक्ट आंसर है हमिंग बर्ड। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति को कारण दिखाता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट? करेक्ट आंसर है हमारा क्लोरोफिल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।